तर मी पुरा खर्रा लिहून साने आत्महत्या करीन. माझ्या वावरामध्ये टावरचा खंबा आहे, त्या टावरच्या खंब्याला जाऊन लटके. हमने हमारे कहने वो नोटिस देख देख के छाते धड़धड़ धड़धड़ कर रहे. नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ. दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम वीर वेंकट वाकलपुड़ी, फिलहाल नागपुर जिले में यह नाम काफी चर्चे में है, क्योंकि इस व्यक्ति ने एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों किसानों के साथ, और अभी तक जो आंकड़े आए हैं लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है. किसानों को अपने साथ लेकर जाता था बैंक में, और वहाँ पे इनके झूठ बोल के इनको धोखे में रख के इनसे सिग्नेचर कर लेता था और इनके नाम पे लोन उठा लेता था और वो पैसा अपने पास रख लेता था, जबकि किसानों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी. वो हमारे पास से पहले 5-6 बार धान खरीदी किया था उसने. ठीक है, बाद में हम उसको धान देते थे. एक बार ऐसा हुआ कि वो बोल रहा था कि ये तुम्हारा धान मैं ले रहा हूँ, इसके लिए वो बैंक वाले को किसान दिखाना पड़ता है, नहीं तो हमारे पे धाड़ पड़ती है बैंक की, इसलिए किसान दिखाना पड़ता है, इसलिए बैंक हमको लेके गया. 60 लाखाचा आला, मग अजून गेलो त्याच्या घरी, देख बोला ये नोटिस ले, बोला ये कितने का है देख, बोला अरे देवरा बोलते कुछ नहीं होता बोलते, मैं बोला कुछ नहीं होता देख, इसका बोला तू फैसला करने तो तेरे घर के सामने आत्महत्या कर दूंगा, बोला हो नहीं नहीं देवरा बोलते कुछ नहीं होता बोलते. दोस्तों, ये सिलसिला 2017 में शुरू हुआ और किसानों को अभी तक इतने नोटिस मिल चुके हैं कि किसान अभी आत्महत्या करने पे मजबूर है. आता माझ्यावर कधी नोटिस आला अन माझ्या काम बराबर झाला नाही, माझ्या 7-12 क्लियर झाला नाही, तर मी आपल्या वावरात जाऊन सेनी आपल्या शेतात जाऊन सेनी आत्महत्या करीन आत्महत्या करीन मी मरीन. एकच एकर आहे की आणखी आहे? नाही, माझ्या एकच एकर आहे. एक एकर शेतीमध्ये मी आपला 12 महिन्याचा कसा बी अनाज काढतो आणि तेवढ्यामध्ये आपला गुजारा करतो आणि आपली मजुरी करतो. आपके ऊपर कितना लोन है? 60 लाख. आपके ऊपर लोन? 61 लाख. जैसे मेरे पास कोई जमीन नहीं है, फिर भी हाथरोजी भी रहने के बाद भी मेरे को कई लोन आया. कैसे? अभी उन्होंने कैसे भेजा वेंकट ने, वो वेंकट देखे. आपके ऊपर? 49,84,000. आपके ऊपर लोन है? 50 लाख. आपके ऊपर लोन है? 54 लाख है जी. आपके ऊपर लोन है? आपके मेरे ऊपर 40 लाख रुपए. 40 लाख रुपए. आपके पास पूरी खेती कितनी है? एक ही एकड़ है. उस पर लोन ले लिया? कितने एकड़ खेती पे? एक एकड़ भी नहीं है. फिर भी लोन पास हो गया? हाँ, लोन पास हो गया. बताइए, हमारे देश में तो लोन नहीं मिलता है जल्दी, आपको कैसे लोन पास हो गया? 61 लाख. 61 लाख लोन आया था, 56 लाख. ये LIC के बाजू में कॉर्पोरेशन बैंक है, वहाँ पे लेके गए थे, मोबाइल पे फोटो खींचे, फिर वो फाइल लाए, फाइल पे 50-60 साइन लिए, चेकबुक लाया, चेकबुक पे साइन लिए, उसके बाद में फिर ये 2-3 साल के बाद में 47 लाख का नोटिस आया. और जिस दिन कर्जा ले निकालने को ले गया था उस दिन 300-300 रुपये दिया था उसने, खाना वाना खिलाया था, जो कुछ पीना था उसको पिलाया था, सबके लिए किया था उसने. कितना अजीब है ना, जिस किसान को लेकर जाता था, जिसके नाम पे लाखों की ठगी कर रहा वेंकट वाकलपुड़ी, जिस दिन उसको लेकर जाता था सिग्नेचर कराने, जो किसान को पता भी नहीं होता था, उस दिन उसको बोलता था कि ये तुम्हारी आज की रोजी है, किसी को 200 और किसी को 300 रुपये भी देता था, यानी कि 50 लाख किसी के नाम पे फ्रॉड करके उठा रहा है और उसको 200-300 रुपये रोजी के नाम पे भी देता था, यानी कि अपने आप में किसान वर्ग का वो मजाक बना रहा था. अच्छा, इसके लिए कुछ पैसे वैसे दिया जिस दिन आपका ये काम हुआ, उस दिन कुछ पैसे वैसे? हाँ, ये बोल रहा था आज के रोजी ये 200 रुपया रख लो, बोले 200 रुपया दिया था. 50 लाख लिया, 50 लाख का 60 लाख इंटरेस्ट. हाँ, बैंक के इंटरेस्ट पकड़ के 60 लाख हो गए. 60 लाख हो गए. 51 लाख के 60 लाख हो गए. आपके ऊपर कितना लोन है काका जी? 52 लाख है जी. 52 लाख आपके ऊपर? मेरे पास भी है 52. 52 लाख. लोन कितना है? 40. आपके ऊपर कितना है? 56 लाख. वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं वीर सिंह. दोस्तों, ये मामला काफी बड़ा है जिसको हम एक एपिसोड में शायद आप तक ठीक से बता नहीं पाएंगे, लेकिन आने वाले अगले एपिसोड में अभी भी कई अहम खुलासे बाकी हैं. आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ सिर्फ NBC News पे. जय हिंद.